अध्याय 9। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनियों के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखिया के लोग एक वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वो इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार हो रहो। ऐसा ना हो कि यदि कोई मकिदुनी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए तो क्या जाने। इस भरोसे के कारण हम ये नहीं कहते कि तुम लज्जित हो, इसलिए मैंने भाइयों से ये विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें कि ये दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुढ़ कुढ़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की खटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीही के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर को उसके उस दान के लिए, जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो।